नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया है। लाखों नौकरीशुदा लोगों की बेरोजगारी की वजह बनी कोरोना वायरस ने भारत में भी बेरोजगारी की दर को कई पायदान ऊपर चढ़ा दिया है। इसी बीच मणिपुर का ये युवक कोविड 19 महामारी के कारण परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए धन जुटाने के अभियान पर है। वो लोग जो सड़कों पर हैं, भूखे सो रहे हैं या किसी भी कारण अपना रोजगार गंवा चुके हैं, इस युवक ने उनकी मदद करने की ठान ली है। इस काम के लिए वो अपने शहर मणिपुरी से होकर बेघरों को खिलाने के लिए धन जुटाने के लिए 3-4 मेट्रो शहरों में साइकिल चला रहा है। लगभग एक साल से रोहन बेघरों को खिलाने की पहल कर रहा है। The eighth expedition that I've taken up. For the past seven expedition, all my themes were related with humanity and environment. Our main, intention of this campaign is feeding the hungry. Whosoever the background is, whether he might be, thief or whether he might be a drug user, whosoever is affected by COVID and whosoever is hungry because of COVID, we are in the motto to feed them. So still then, like, from the month of April, we started the campaign, and the campaign is in full swing right now. रोहन दोस्तों के ग्रुप के साथ हर दिन 40 से 50 लोगों को भोजन खिला रहा है। रोहन अल्फा वेक्टर के साथ मिलकर ये अभियान चला रहा है। ये उनके साथ साइकिलिंग फॉर ह्यूमैनिटी का 8वां अभियान है। बता दें कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करना और महामारी के कारण प्रभावित हुए लोगों के लिए धन जुटाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Oh.